नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस वक्त मैं नाहन में हूं, हिमाचल प्रदेश के नाहन क्षेत्र में, और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं। ये पूर्व सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। छात्र संगठनों से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी, आपातकाल में भी जेल में भी रहे हैं, काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पर। पूरे देश में इन्होंने काम किया है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आप आए, विशेष तौर पर दैनिक सवेरा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, उनके आने से कितना फर्क पड़ा है, खासकर अगर आपके इलाके की बात करें तो? जिला सिरमौर सदा से कांग्रेस का गढ़ रहा, 70 साल में 60 साल कांग्रेस ने यहाँ पर राज किया है, और कुछ विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर केवल 5 साल भाजपा का विधायक बना है, अन्यथा कांग्रेस ने ही राज किया है। उसके बावजूद जो हमारा सिरमौर ज़िला है वो पिछड़ेपन में पूरे हिमाचल में सबसे आगे है। इस सारी स्थितियों के अंदर एक जनाक्रोश सिरमौर की जनता के अंदर है, और उस जनाक्रोश के ऊपर माननीय मोदी जी का आना और उनका स्पष्ट शब्दों में कहना कि मैं टूरिज्म के विकास के साथ रोज़गार देने वाला हूं, और सिरमौर में IIM, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, शिक्षा का हब बनाना, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, ये और जनता को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली हैं। हमारा ये मानना है कि मोदी जी के आने के बाद 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यहाँ की स्थानीय समस्याओं की बात करें तो पानी की एक समस्या यहाँ रही है। सोलन में जब आप थे तो सोलन में आपने सॉल्व करवाया था पानी का प्रॉब्लम, यहाँ क्या आप कर रहे हैं इस इलाके के लिए? नाहन विधानसभा क्षेत्र में, शहर में भी गंभीर समस्या है, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी पानी नहीं मिलता, और जहाँ मिलता है वहाँ पर अनट्रीटेड पानी मिलता है जो बीमारियों का कारण है। हमने 5 साल इस पानी के लिए संघर्ष किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें की, विधानसभा को रोका, अनेक प्रकार से सरकार को जगाया। अल्टीमेटली हमने इसके लिए DPR बनाई हैं और DPR बना करके सरकार को फंडिंग के लिए भेजी हैं। अनेक DPR हमारी सैंक्शन भी हुई हैं, नाहन की कुछ DPR हैं जिसमें प्रोग्रेस होकर के नाहन में सुधार भी हुआ है, परंतु ये सारे काम सत्ता परिवर्तन के साथ पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि हमने आधारभूत ढांचा खड़ा किया है। हमारा संकल्प है कि हम हर गांव को स्वच्छ पेयजल देंगे, और लगातार मिलने वाला पानी और सिंचाई का पानी अपने किसान को उपलब्ध कराएंगे, ऐसा हमारा वायदा। नेशनल हाईवे को लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब स्थानीय सड़कों पर जाते हैं तो उसकी हालत ख़राब हो रही है, रिपेयर भी नहीं हो रहा है बहुत जगहों पर। हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। गड्ढों को भरना, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये पता नहीं लगता है। हमारी नेशनल हाईवे कालाम से लेकर के और पौंटा साहब की, विशेष रूप से मोदी जी ने हमको 47 करोड़ रुपए दिया, उसके विकास का काम चला है। जिला सिरमौर में 9 नेशनल हाईवे दिए हैं, इसकी DPR बनाने पर और ये सड़कें बनने पर पूरा सिरमौर चकाचक हो जाएगा। पर प्रदेश की सरकार की कारगुजारी बहुत ही, और ये कहा जाए, नकारात्मक है, और आने वाले दिनों में सिरमौर की सड़कों का भाग्य बदलेगा, क्योंकि पहले भी प्रेम कुमार धूमल जी सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने गए, और हमें लगता है कि माननीय धूमल जी की सरकार मोदी जी के और मार्गदर्शन में बनेगी तो हम यहाँ पर बेहतरीन सड़कें बनाने में कामयाब होंगे। आपने डिग्री कॉलेज को लेकर एक याचिका भी दायर की थी हाईकोर्ट में, उसका क्या क्या स्टेटस है, लोग जानना चाहेंगे? नाहन का डिग्री कॉलेज, उसका शिलान्यास आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था, उस कार्य को ये लगातार लटका रहे थे, तो मुझे सीधा सीधा हाईकोर्ट में जाना पड़ा, और हाईकोर्ट में रिट पटिशन में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि 2 साल के अंदर डिग्री कॉलेज का भवन पूरा करें, अन्यथा कंटेम्प्ट की जाएगी, और उसका असर हुआ
और डिग्री कॉलेज का भवन आज बनकर तैयार है। बिंदल साहब, एक यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, गिरी पे जल योजना जो है उसको लेकर डिले हो रहा है, कुछ इस तरह की खबर मिल रही है। गिरी पेयजल योजना का शिलान्यास भी पूर्व सरकार में आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था और कार्य उसी समय शुरू हो गया था। उसमें गिरी नदी में और ट्यूबवेल्स बोर करने का काम कंप्लीट हो गया, राइजिंग मेन का काम चला हुआ है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 52 करोड़ रुपए की और ज़रूरत है, तो प्रदेश की वर्तमान सरकार ने वो 52 करोड़ रुपया नहीं दिया, जिसके कारण काम अभी ढीला है। हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की सूरत में हम इस कार्य को 1 साल के भीतर पूर्ण करके संपूर्ण नाहन को और गिरी के पानी के साथ सप्लाई देंगे। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, चूँकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सालों से काम करते रहे, पिछले कुछ सालों में पानी की जो क्वालिटी है, शिमला में बात करें, सोलन में, बाकी शहरों में बात करें, पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब हुई है। इस वजह से जॉन्डिस के बहुत सारे केसेस भी हुए हिमाचल प्रदेश में। अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी क्या प्रतिबद्धता रहेगी? बहुत सही कहा आपने, ये तो पीलिया देने वाली सरकार जानी गई है, जिसने लगभग 35,000 लोगों को पीलिया दिया मल मूत्र पिला करके और 32 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। ऐसी निकम्मी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बस्ती को, हर गांव को, हर शहर को स्वच्छ पेयजल मिले। कम से कम वो पानी बीमारियों को ट्रांसफ़र करने का कारण ना बने, ये नितांत आवश्यक है। WHO की भी यही रिक्वायरमेंट है और देश की भी रिक्वायरमेंट। एक आखिरी सवाल, नोटबंदी की बड़ी चर्चा हो रही है और इसको एक बड़ा इशू के तौर पे प्रचारित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा। आप ग्राउंड लेवल पे घूमते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक इशू है, वोटिंग पे इसका कुछ असर पड़ेगा डॉक्टर साहब? नोटबंदी का अच्छा असर पड़ने वाला है, क्योंकि गरीब आदमी खुश है और अरबापति यहाँ पर है कोई नहीं, इसलिए सामान्य व्यक्ति को नोटबंदी का लाभ हुआ है और जो और ब्लैकमेलर्स हैं उनको इसका नुकसान हुआ है, तो हमारे पास तो उसका पॉजिटिव असर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंदल साहब। ये थे डॉक्टर बिंदल साहब, काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ नाहन मैदान में डटे हुए हैं। काफ़ी सारे सवाल हमने इनसे सेहत से जुड़े हुए इसलिए पूछे क्योंकि ये सेहत मंत्रालय में रहे, सेहत मंत्री रहे और सालों से सेहत के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहे। तो उम्मीद ये करेंगे कि जब इनकी सरकार बनके अगर आती है हिमाचल प्रदेश में तो स्वास्थ्य क्षेत्र को ये काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। नाहन से कैमरामैन रवि के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा TV के लिए।